हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम RSIS एकेडमी। हमारे पिछले वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम वेदों को देख रहे थे और वेदों में भी हमने आखिरी जो बात की थी वो सामवेद पे की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अगले वेद पे चलते हैं जिसका नाम है अथर्ववेद। इसमें प्राकैतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं परंपराओं का चित्रण है। अथर्ववेद 20 अध्यायों में संगठित है। इसमें 731 सूक्त और 6000 के लगभग मंत्र हैं। इसमें रोग और उसके निवारण के साधन के रूप में जानकारी दी गई है। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, शौनक और पिपलाद। इसे अनारियों की कृति भी माना जाता है। अगला जो हमारे पास साहित्य है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। तो वैदिक मंत्रों और संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। पुरातन ब्राह्मण में अत्रेय, शतपथ, पंचविंश, तैत्तरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं के कर्मकांड की व्याख्या करने के लिए की गई थी। यह मुख्यतः गद्य शैली में लिखित है। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें बिंबिसार की पूर्व की घटनाओं का ज्ञान भी प्राप्त होता है। अत्रेय ब्राह्मण के आठ मंडल हैं और 5 अध्याय हैं। इसे पज्जिका भी कहते हैं। अत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पांचाल, कोसल, विदेह आदि महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण में एक है। सर्वाधिक पर्वतीय ब्राह्मण गोपद है। ध्यान रखिए, यहाँ पे ब्राह्मण हम किसी कुल की बात नहीं कर रहे, यहाँ जो ब्राह्मण है वो एक साहित्य है। अगला जो है हमारे पास साहित्य, ऋग्वैदिक साहित्य, उसे आरण्यक कहते हैं। तो इनकी रचना जंगल के ऋषियों द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध है। सामवेद और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषदों में वेदारण्यक और छांदोग्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। इन ग्रंथों में बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जाती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। इन्हीं उपनिषदों में यह स्पष्ट भी होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन सर्वोत्तम और अधिकांगे था। आर्यों के आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवन उदाहरण इन्हीं उपनिषदों में मिलते हैं। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्रह्मा आत्मा, परमात्मा के बीच संबंध और विश्व की उत्पत्ति संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण इनमें दिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मैत्राणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चतुराश्रम सिद्धांत का वर्णन है। वेदांग युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं यानी कि शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग। तथापि इस साहित्य के परिचय होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक से गिना जाता है। वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है, क्योंकि यह मनुष्यों की कृति मानी जाता है। वेदांग सूत्र के रूप में इसमें कम शब्दों में अधिक तत्व रखने का प्रयास किया गया है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा से जुड़ा हुआ स्वर ज्ञान कल्प धार्मिक रीति और पद्धति पे है। निरुक्त जो वेदांग है वो शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र है। व्याकरण वेदांग व्याकरण से जुड़ा हुआ है। छंद वेदांग जो है छंद शास्त्र पर है। ज्योतिष वेदांग खगोल विज्ञान पर आधारित है। सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का अंग न होने के बावजूद भी उसे समझने में सहायक होता है। कल्प सूत्र ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्रों में गिना जाता है। शोध सूत्र महायज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की इसमें व्याख्या की गई है। शुल्क सूत्र यज्ञ स्थल और अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम इसमें है। इसमें भारतीय ज्यामिति का प्रारंभ भी दिखाई पड़ता है। धर्म सूत्र इसमें सामाजिक धार्मिक कानून और आचार की संहिता है। ग्रह सूत्र पारिवारिक संस्कारों, उत्सवों और व्यक्तिगत यज्ञों से संबंधित विधि विधानों की इसमें विवरण दिया गया है। अब वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति पर गौर डालते हैं। ऋग्वैदिक काल मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था, जिसमें सैनिक भावना प्रमुख थी। राजा को गोमत भी कहा जाता था। वैदिक काल में राष्ट्रशासन प्रणाली प्रचलित थी और इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था, परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। राजा युद्ध का नेतृत्व करता था। उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था। जनता द्वारा शिक्षा से दिए गए भाग एवं भाग से उसका खर्च चलता था। सभा, समिति और विदित नाम की प्रशासनिक संस्थाएं थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। समिति के प्रधान ईशान या पति कहलाता था। विदित में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान आदि सामाजिक कार्य विदित करता था। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। समिति आम जनप्रतिनिधि
सभा थी और विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख विदत का 122 बार हुआ है। सैन्य संचालन वरातगण व सर्द नामक कबीलाई संगठन करते थे। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अभिषेक होने पर राजा महाम बन जाता था। राजसूय यज्ञ करने वाले की उपाधि राजा तथा वाजपेयी यज्ञ करने वाले की उपाधि सम्राट थी। स्पर्श गुप्तचरों और पुरुष दुर्गापति को भी कहा जाता था। राजा के प्रशासनिक सहयोग पुरोहित सेनानी आदि 12 रत्न करते थे। चारागाह के प्रधान को राज्यपति एवं लड़ाकू दल के प्रधान को ब्राह्मणी कहा जाता था। अब बात करते हैं राजा के 12 रत्न की। सबसे पहले पुरोहित जो राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था, सेनानी सेना का प्रमुख होता था, ग्रामीण ग्राम का सैनिक पदाधिकारी होता था, महिषी राजा की पत्नी, सूत राजा का सारथी, छत्री प्रतिहार संग्रहित जो राजा का राजस्व कोषाध्यक्ष, भागदुद्ध कर एकत्र करने वाला अधिकारी, अछवा लेखाधिकारी, गोविकृत वन का अधिकारी और पालागल राजा का मित्र। विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ देखते हैं। अब यहाँ पर ऋग्वैदिक कालों में जो अलग अलग क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ थे उनको क्या क्या नाम दिया जाता था। होत्र ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत कहते थे। उद्दाता सामवेद की रचाओं का गान करने वाले को कहते थे। अर्धवयु यजुर्वेद का पाठ करने वाले का यह नाम दिया गया था। ब्रह्मा संपूर्ण यज्ञों की देखरेख करने वाले को कहते थे। सामाजिक स्थिति पर चलते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। 10वें मंडल को परिवर्तित काल में का माना जाता है। समाज पर संतात्मकता संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। परिवार का मुखिया कुल कहलाता था। परिवार कुल कहलाता था। कई कुल मिलाकर ग्राम और कई ग्राम मिलाकर विश्व, कई विश्व मिलाकर जन और कई जन मिलाकर जनपद बनते थे। अतिथि सत्कार की परंपरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। एक और वर्ग पणियों का था जो धनी थे और व्यापारी व्यापार करते थे। भिखारी और कृषि राशों का अस्तित्व नहीं था। संपत्ति की इकाई गाय थी जो विनिमय का एक माध्यम भी थी। सारथी और बढ़ई समुदाय को विशेष सम्मान प्राप्त था। अस्पृश्यता सती प्रथा पर्दा प्रथा बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। शिक्षा और वर चुनने का अधिकार महिलाओं को भी था। विधवा विवाह महिलाओं का उपनयन संस्कार नियोग गंधर्व और अंतर जाति विवाह प्रचलित थे। वस्त्राभूषण स्त्री और पुरुष दोनों को प्रिय थे। यौ यानी कि आज की जौ मुख्य नाश्ता शाकाहार का प्रचलन था। सोम रस अमृत जैसे रस पीने का प्रचलन था। नृत्य संगीत पासा घुड़दौर मल्ल युद्ध शृंगार आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। अपाला घोष मैत्रेयी विश्व आरा गार्गी आदि उस वक्त की विदुषी महिलाएं थी। ऋग्वेद में अनारियों इसे मूर्ख या दस्यु को मृदवाय अस्पष्ट बोलने वाला अव्रत नियमों व्रतों का पालन करने वाला बताया गया है। सर्वप्रथम जाबलो उपनिषद में चारों आश्रम यानी ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का उल्लेख मिलता है। अर्थव्यवस्था का यहाँ प्रमुख आधार पशुपालन और कृषि था। ज्यादातर पालतू पशु रखने वाला गोमत कहलाते थे। चारागाह के लिए यति या गव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। दूरी को गव्युति, पुत्री को दुहिता गाय दुहने वाले तथा युद्धों के लिए गविष्टि का प्रयोग किया गया है। राजा को जनता की स्वेच्छा से भाग नजराना देती थी। आवास घास फूस और काश निर्मित होते थे। ऋण लेने और देने की प्रथा प्रचलित थी जिसे कुसीत कहा जाता था। बैलगाड़ी रथ और नाव यातायात के प्रमुख साधन थे। यहाँ की कृषि पे देखते हैं। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि को समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में प्रथम और 10वें मंडल में बुवाई जुताई फसल की दहाई आदि का वर्णन है। ऋग्वेद में केवल जौ नामक अनाज का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 4वें मंडल में कृषि का वर्णन है। ऋग्वेद के 4वें मंडल में कृषि का वर्णन है। परवर्ती वैदिक साहित्यों में अन्य अनाजों जैसे गेहूं गोधूम प्रेही जिसे चावल आदि की चर्चा की गई है। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का अथर्ववेद में वर्षा कूप और नहर तथा यजुर्वेद में हल का सीर के नाम से उल्लेख है। उस काल में कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था भी थी। वर्ग पाणी व्यापार किया करता था। राजा को नियमित कर देने या राजस्व देने की प्रथा नहीं थी। राजा को स्वेच्छा से भागी नजराना दिया जाता था। पराजित कबीला भी विजयी राजा को भेंट देता था। अपने धन को राजा अपने अन्य साथियों के बीच बांटता था। ऋग्वेद में उल्लेखित धातु में सर्वप्रथम धातु अयस या तांबा या कांसा था। वे सोना इसे हिरण या स्वर्ण एवं चांदी से भी प्रसिद्ध थी। लेकिन ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। निष्क संभवतः सोने का आभूषण या मुद्रा थी जो विनिमय के काम आता था। ऋग्वेदिक काल में उद्योग घरेलू जरूरतों को पूर्ति हेतु थे। बढ़ई एवं ठोकर का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। अन्य प्रमुख उद्योगों में वस्त्र बर्तन लकड़ी और चर्म का कार्य था। स्त्रियां भी चटाई बनाने का कार्य करती थी। अब यहाँ की धार्मिक स्थिति पर बात करते हैं। आर्य एकेश्वरवाद में विशेष विश्वास करते थे। यहाँ पर प्राकृतिक मानव के हित के लिए ईश्वर से कामना की जाती थी। वे मुख्य रूप से केवल ब्रह्मांड की धारण करने वाले एकमात्र परमपिता परमेश्वर के पूजक थे। वैदिक धर्म पुरुष प्रधान धर्म था। आरंभ में स्वर्ग या अमृत की परिकल्पना नहीं थी। वैदिक धर्म पुरोहितों से नियंत्रित धर्म था। पुरोहित ईश्वर एवं मानव के बीच मध्यस्थ था।
वैदिक देवताओं का स्वरूप महिमा मंडित मानवों का हिता ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है। ईसा पूर्व 6वीं सदी तक वैदिक कर्मकांडों की परंपरा का अनुपालन कम हो गया। उपनिषद से जो जीवन का आधारभूत समस्या के बारे में स्वाधीनता प्रदान कर दिया गया था, इसके फलस्वरूप कई धार्मिक पंथों और संप्रदायों की स्थापना हुई। उस समय ऐसे किसी बाहर संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन इनमें से केवल दो ने भारतीय जनमानस को लंबे समय तक प्रभावित किया, जो है जैन और बौद्ध धर्म। ये दोनों पहले से विद्यमान प्रणाली के गतिमा पक्षों पर आधारित थे। दोनों कठोरतापूर्ण दुख भोगवादी यानी यतित्ववादी या भातृभाव पर आधारित थे। यतित्ववादी का मूल वेदों में ही है तथा उपनिषदों में भी इसको प्रोत्साहन मिलता है। जैन धर्म के दो तीर्थंकर ऋषभनाथ और अरिष्ट नेमी का उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि हड़प्पा खुदाई से जो नग्न धड़ की मूर्ति मिली वो किसी तीर्थंकर की है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर और भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर जो कि जैनों के सबसे प्रमुख और अंतिम तीर्थंकर थे का जन्म 540 ईसा पूर्व के आसपास वैशाली के पासकुंड ग्राम में हुआ था। 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें केवल यानी परम ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर ने पार्श्वनाथ के चार सिद्धांतों को स्वीकार किया। अहिंसा जिसका अर्थ है जीव हत्या न करना, अमृषा झूठ न बोलना, अस्ते चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति न इकट्ठा करना। इसके उन्होंने अपना पांचवा सिद्धांत भी दिया जो था ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर नियंत्रण। इस संप्रदाय के दो अंग बने श्वेतांबर और दिगंबर। बौद्ध धर्म जैन धर्म की तरह इसका मूल भी उच्च वर्गीय क्षत्रिय परिवार से था। गौतम नाम से जन्मे महात्मा बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व में शाक्य कुल के राजा शुद्धोदन के घर हुआ था। इन्होंने भी सांसारिक जीवन जीने के बाद एक दिन या रात अचानक से अपने गृहस्थ को छोड़कर सत्य की खोज में चल पड़े। बौद्धों के उपदेश के चार आर्य सत्य समाहित हैं: दुख समृद्ध, दुख निरोध और दुख निरोध गामी प्रतिपदा। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया जिसका पालन करके मनुष्य पुनर्जन्म के बंधन से दूर हो सकता है। वो मार्ग हैं सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि। यहाँ पे सम्यक का अर्थ जो है वो है बैलेंस बनाना। बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत के बाहर भी हुआ। अफगानिस्तान उस समय जो फारसी शासकों के अधीन था, चीन, जापान, श्रीलंका के अतिरिक्त इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में भी अपनी पहचान बनाई। उसी समय उत्तर पश्चिमी भारत में कोई खास संगठित राज्य नहीं था। लगातार हो रहे फारसी साम्राज्य की नज़र इधर की ओर भी गई। हालांकि अब तक फारस पर राज कर रहे चंद्र राजा यूनान पश्चिमी एशिया और पश्चिम मध्य एशिया की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने भारत की ओर अनदेखी नहीं की थी। शक्तिशाली अजमीर शासकों की निगाह इस क्षेत्र पर थी और कुरु साइरस 558 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व का वक्त ने हिंदू कुश के दक्षिण में रजवाड़ों को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद दरवाहू या डेरियस जो 522 से ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व तक का इसका वक्त था के शासनकाल में भारत में फारसी शासन का विस्तार हुआ। इसके उत्कीर्ण लेखों में दो जगह हिंदू को इसके राज का हिस्सा बताया गया। संदर्भ में हिंदू शब्द की सही अर्थ बता पाना कठिन है, तत्पर इसका तात्पर्य किसी प्रदेश से अवश्य है जो सिंधु नदी के पूर्व था। ईसा पूर्व 4वीं सदी में जब यूनानी और फारसी शासक पश्चिमी एशिया जो कि आज का तुर्की है पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मकदूनिया का राजा सिकंदर के हाथों हखामनी शासक डेरियस चौथे के हारने के पश्चात स्थिति में परिवर्तन आके सिकंदर पश्चिम एशिया जीतने के लिए अरब मिस्र और उसके बाद फारस का केंद्र जो कि आज ईरान तक पहुंच गया। इतने से जब उसको संतोष नहीं हुआ तो वह अफगानिस्तान होते हुए 326 ईसा पूर्व में पश्चिम उत्तर भारत पहुंच गया। सिकंदर ने भारत के आने के बारे में कोई भारतीय स्रोत उपलब्ध नहीं है। सिकंदर के विजय अभियान की बात केवल यूनानी तथा रोमन साहित्यों में उपलब्ध है तथा उन्हें सत्य के करीब मानकर ये सब लिखा गया है। यूनानी ग्रंथ तो सिकंदर के भारत अभियान को विस्तार से वर्णन करते हुए हैं पर वे कौटिल्य के बारे में एक शब्द भी नहीं कहते। सिकंदर जब भारत पहुंचा तो पंजाब जो अविभाजित पंजाब था जो आज पाकिस्तान के हिस्से में है के रावलपिंडी के पास का राजा उसकी सहायता के लिए पहुंच गया। अन्य लगभग सभी राजाओं ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया पर वे सिकंदरों के अनुभवी सेना से हार गए। यूनानी लेखकों ने इन राजाओं की वीरता की बुरी बुरी प्रशंसा भी की है। इसके बाद चेलम और चेनाब नदी के बीच स्थित प्रदेश का राजा पोरस जो कि पौरव यूनानी भाषा में उसको पौरव नाम दिया गया है ने सिकंदर का वीरतापूर्वक सामना किया। कहा जाता है कि हारने के बाद जब वो बंदी बनाकर सिकंदर के सामने पेश किया गया तो उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए तो उसने साहसी उत्तर दिया जैसा एक राजा दूसरा राजा के साथ करता है। उसके उत्तर पर मुग्ध होकर सिकंदर ने उसका हारा उदा हुआ प्रदेश उसे लौटा दिया। इसके बाद जब वो भारत के वीर योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना का सामना करना था तब वह भय से ग्रसित होकर सेना को लेकर सिकंदर आगे नहीं बढ़ सका और वापस लौट गया। उसके बाद प्राचीन भारत में राज्य और प्रशासनिक इकाइयों का बंटवारा हुआ जिसे महाजनपद कहते थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों
कुछ महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में भी इनका उल्लेख कई बार किया गया है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में व्याकरण के लेखक पर्णिनी ने 22 महाजनपदों का उल्लेख किया, जिनमें से 3 मगध, कोसल और वत्सी को ही महत्वपूर्ण बताया गया है। आरंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी इनके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। यद्यपि कुल 16 महाजनपदों का नाम मिलता है, पर ये नाम पर अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग है। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये अंतर भिन्न भिन्न समय पर राजनीतिक परिस्थितियों बदलने के कारण हुआ है, और इसके अतिरिक्त इन सूचियों में निर्माताओं की जानकारी भी उनकी भौगोलिक स्थिति से अलग हो सकती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु ने 16 महाजनपदों का उल्लेख किया है, जो कि इस प्रकार है। अवंती, जो कि आज का आधुनिक मालवा का प्रदेश, जिसकी राजधानी उज्जैनी और महेशपति थी। अश्मक या अश्मक, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो नर्मदा और गोदावरी के बीच के अवस्थित या बीच की जमीन पर स्थित था, जिसकी राजधानी पाटन थी। अंग, वर्तमान में बिहार के मुंगेर जिले और भागलपुर जिले का हिस्सा है, जिसकी राजधानी चंपा थी। कंबोज, पाकिस्तान का हजारा जिले का यह हिस्सा है। काशी, इसकी राजधानी बनारस थी, वर्तमान में यह बनारस और उसके आसपास के इलाके इसमें सम्मिलित है। कुरु, आधुनिक हरियाणा और दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश, इसकी राजधानी उस समय इंद्रप्रस्थ, जो आज की दिल्ली थी। कोसल, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले, गोंडा और बहराइच जिले इसमें शामिल थे, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। गांधार, पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी हिस्सा। इसे आधुनिक कधार से जोड़ने वाली गलती कई बार लोग करते हैं, जो कि वास्तव में ऐसा नहीं है। चेदी, जहां अभी जो मैंने कधार कहा उसे हम आज का कंधार कहते हैं। कंधार बड़ा शहर है अफगानिस्तान का। चेदी, वर्तमान में बुंदेलखंड का इलाका। वज्जी या व्रजी, या 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था, जो उत्तर बिहार की गंगा के उत्तर में अवस्थित था, और इसकी राजधानी वैशाली थी, और आज का इसमें आज के बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर जिले भी शामिल हैं। वत्स या वंश, जो कि आज का आधुनिक उत्तर प्रदेश है, जिसमें इलाहाबाद और मिर्जापुर के जिले शामिल हैं। पांचाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, की राजधानी अहिच्छत्र थी। मगध, दक्षिणी बिहार में अवस्थित था, शतपथ ब्राह्मण में इसे कीकट भी कहा गया है। आधुनिक पटना और गया जिले और इसके आसपास के क्षेत्र इसमें आएंगे। मत्स्य या मच्छ, इसे राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर जिलों के क्षेत्र शामिल थे। मल्ल, यह एक गणसंघ था और इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके शामिल थे। सूरसेन या शोरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी। ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंदू कुश से गोदावरी तक फैले हुए थे। दीर्घ निकाय के महागोविंद सुत ने भारत की आकृति का वर्णन करते हुए इसे उत्तर में आयताकार और दक्षिण में चुभुजाकार यानी बैलगाड़ी की तरह बताया। बौद्ध निकायों में भारत के 5 भागों में वर्णित किया गया है। उत्तरापथ, जो कि पश्चिमोत्तर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया, जो आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इलाका है। मध्य देश या प्राची, जो कि पूर्वी मध्य देश, जिसमें हम आज हैं, मालवा की बात कर रहे हैं। प्राची या पूर्वी भाग, दक्षिणापथ साउथ का, और अपरांत, जो कि पश्चिमी भाग, गुजरात का हिस्सा का उल्लेख मिलता है। इससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि भारत की भौगोलिक एकता ईसा पूर्व 6वीं सदी से ही परिकल्पित है। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, सूत्र रतांग में पढ़ने की अष्टाध्यायी में, बौद्धायन धर्म सूत्र में, जो कि 7वीं ईसा पूर्व प्रचलित था, और महाभारत में उपलब्ध जनपद सूची पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि उत्तर में हिमालय से कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गांधार प्रदेश से लेकर पूर्व में असम तक प्रदेश इन जन महाजनपदों का क्षेत्र इसमें आच्छादित था। कौटिल्य ने एक चक्रवर्ती सम्राट के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष का राजनैतिक एकता के माध्यम से बृहत्तर संगठित भारत की परिकल्पना की थी। और ईसा पूर्व 6वीं सदी से ईसा पूर्व 2वीं सदी तक प्रश्न में रहे आहत सिक्कों के वितरण इसका अंदेशा होता है कि ईसा पूर्व 4वीं सदी तक संपूर्ण भारत में एक ही मुद्रा प्रचलित थी। इससे उस युग में भारत का एकीकरण की झलक साफ दिखाई पड़ती है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जिन 4 महत्वपूर्ण राज्यों ने प्रसिद्धि प्राप्त की, उनके नाम थे मगध के हरियक, कोसल के इक्ष्वाकु वंश, वत्स के पौरव और अवंती के प्रद्योत। हरिया के कैसा वंश था, इसकी स्थापना बृहदत्त को परास्त करने वाले बिंबसार द्वारा मगध में की गई थी। प्रद्योतों का नाम ऐसे वंश के संस्थापक के कारण ही था। संयोग से महाभारत में वर्णित प्रसिद्ध राजगुरु पांचाल, काशी और मत्स्य इस काल में भी थे और उनकी गिनती अब छोटी शक्तियों में होती थी। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में अवंती के राजा प्रद्योत ने कौशाम्बी के राजा तथा प्रद्योत के दामाद उद्यन के साथ लड़ाई हुई। इससे पहले उद्यन ने मगध की राजधानी राजगृह पर हमला किया था। कौशल के राजा प्रसन्नजीत ने काशी को अपने अधीन कर लिया और बाद में उसके पुत्र ने कपिल वस्तु के शाक राजा को जीत लिया। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग को अपने में मिला लिया और उसके पुत्र अजातशत्रु ने वैशाली को लिच्छवियों से जीत लिया। ईसा पूर्व 5वीं सदी में पैरव और प्रद्योत सत्ता लोलुप नहीं रहे। हरिया को इक्ष्वाकु के राजाओं ने राजनीतिक मंच में अपने मोर्चे संभाल लिए। प्रसन्नजीत और अजातशत्रु के बीच संघर्ष चलता रहा, हालांकि इसका कोई परिणाम नहीं निकला और आखिरी में मगध ने हरियकों को जीत मिली। इसके बाद मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया।
465 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन ने सत्ता संभाली और उसी ने मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र जो आज की पटना में स्थानांतरित किया। हालांकि निक्षिपों से लड़ते समय अजातशत्रु ने ही पाटलिपुत्र में दुर्ग भी बनवाया था, पर इसका उपयोग राजधानी के रूप में उदयन ने किया। उदयन और उसके उत्तराधिकारी प्रशासन और राजकार्य में निकम्मे रहे और उसके बाद शिशुनाग वंश का उदय हुआ। शिशुनाग के पुत्र कालाशोक के बीच महापद्मनंद नाम के व्यक्ति सत्ता पर काबिज हुआ और उसने मगध की श्रेष्ठता को और ऊंचा बना दिया। तो ये हुई आप लोगों के लिए वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल की जानकारी। इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल के उन्नयन की बात की। वैदिक काल के बीच में जो जो राजवंश और जो जो साहित्यों का रचना हुआ उनके बारे में बात की। और आखिरी में हमने ये भी देखा कि वैदिक काल खत्म कहाँ हुआ, क्योंकि इसके बाद जो जिनका उत्कर्ष हुआ मगध में वो थे मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की शुरुआत से ही वैदिक काल को समाप्त माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, ज्ञानपूर्वक लग रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब करिए। हमारे फेसबुक पेज RSIS अकेडमी पे विजिट कीजिए या हमारी वेबसाइट www.rsacademy.com पे विजिट कीजिए। थैंक यू।